आप सबके सामने कुछ अपना कलाम जो है शमीम अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं। तो सुनाना चाह रहा था, इस टोपी को पहनने की एक वजह है वो आप देख लीजिए। और अब वो मिसरे जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो भी दिन थे इस जवानी के, हम सरापा जमाल होते थे। वो भी दिन थे इस जवानी के, हम सरापा जमाल होते थे। गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हमारे भी बाल होते थे। गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हमारे भी बाल होते थे। और शेर मिलाहिजा करें, परवीन जॉन एलिया ने कहा था, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप मैं वो जी मगर ये सब क्या है, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। इस पे तज़मीन मुलाहिज़ा करें कि आदमी तो भले भले से हो, आदमी तो भले भले से हो, होश से काम क्यों नहीं लेते। ओ अबे तू तेरी ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। आदमी तो भले भले से हो, होश से काम क्यों नहीं लेते। ओ अबे तू तेरी ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। शेर देखिए कि गैस, आप में से जिन हजरात को गैस बनती हो, मैं एक नुस्खा आपके रूबरू कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नुस्खे करीब दूर के सब आजमाए हैं, नुस्खे करीब दूर के सब आजमाए हैं, पहुंचा हुआ हकीम भी नाकाम हो गया। मुर्गा बना के देखा था बेगम ने कल मुझे, अब लग रहा है गैस को आराम हो गया। मुर्गा बना के देखा था बेगम ने कल मुझे, मुर्गा बना के देखा था बेगम ने कल मुझे, अब लग रहा है गैस को आराम हो गया। कुछ लोग हमेशा अपनी बेगम के साथ चिपके रहते हैं, ख्वातीन का मजमा एक मर्द हमेशा नजर आएगा आपको, और वजह होगी उनकी बेगम और गोद में बच्चा। शादी के बाद जिंदगी मसरूफ तर हुई, अब अपने दोस्तों से भी मिलते नहीं हैं हम। अम्मी भी रोज कहती हैं कुछ देर घूम आओ, बेगम के पास बैठ के हिलते नहीं हैं हम, बेगम के पास बैठ के हिलते नहीं हैं हम। और शेर देखेंगे, जो लोग देर करते हैं प्रपोज करने में, हमारे नौजवान साथी पीछे बहुत सारे खड़े, होती नहीं है ठीक ये ताखीर इश्क में, होती नहीं है ठीक ये ताखीर इश्क में, दिल में लगी हुई को भी एक्सपोज कीजिए। होती नहीं है ठीक ये ताखीर इश्क में, दिल में लगी हुई को भी एक्सपोज कीजिए। बाजी कहीं ना मार ले फिर दूसरा कोई, अब वक्त आ गया है कि प्रपोज कीजिए, अब वक्त आ गया है कि प्रपोज कीजिए। और एक हमारे चचा हैं सर, 40 साल 45 साल उम्र गुजरी लेकिन उनका वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इस दुआ में आप सबको शामिल करना चाहता हूँ। बिस्तर टटोलते हैं चचा जान सारी रात, बिस्तर टटोलते हैं चचा जान सारी रात, उनकी खामोशियों के लिए कोई साज दे। मौला तेरे करम के हैं वो भी तो मुंतजिर, इस साल तो चचा को भी चाची नवाज दे, इस साल तो चचा को भी चाची नवाज दे। और आज का एक बड़ा मसला, आज का एक बड़ा मसला शादी को लेकर, मैं जानता हूँ कैसा है रुझान पूत का, मैं जानता हूँ कैसा है रुझान पूत का, कुछ देर सोचकर ही नतीजे पे आ गया। मेरा ख्याल था कि भतीजी से हो निकाह, लखते जिगर का दिल तो भतीजे पे आ गया। मेरा ख्याल था कि भतीजी से हो निकाह, लखते जिगर का दिल तो भतीजे पे आ गया। और ये दो ताजा खतरे उसके बाद इजाजत सर, उस्ताद ही करे है पसे पर्दा शायरी, सर उस्ताद ही करे है पसे पर्दा शायरी, समसू भी अब तो गाता है समसात की गजल। उस्ताद ही करे है पसे पर्दा शायरी, समसू भी अब तो गाता है समसात की गजल। मुझ पर भी हो फिदा कोई उस्ताद शायरी, मुझ पर भी हो फिदा कोई उस्ताद शायरी,
मैं भी पढ़ूंगा दोस्तों उस्ताद की गजल। समसू भी अब तो गाता है समसाद की गजल, मुझ पर भी हो फिदा कोई उस्ताद शायरी, मैं भी पढ़ूंगा दोस्तों उस्ताद की गजल। और देखिए हमारे शेर बड़ी बेरुखी से सुनता है, हमारे शेर बड़ी बेरुखी से सुनता है, तरह तरह की वो तोहमत से लाद देता है। हमारी नज़्म कोई शायरा सुना दे तो फुदक फुदक के उछल कर वो दाद देता है, फुदक फुदक के उछल कर वो दाद देता है। और इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ कि लाल रहता है वो तो गुस्से में, लाल रहता है वो तो गुस्से में, टेढ़ी मेढ़ी सी नोज करता है, जब भी जाता हूँ अपना दरवाज़ा मेरे मुँह पर क्लोज करता है।